भाई फिजिक्स का पेपर ना मसला ये है कि अब देखो मेरे पास इस फॉर्मेट में अगर समझ में आ रहा है मैंने अलग से ना कॉपी पे लिख के भी वीडियो बनाई है बार बार बना रहा हूँ ट्रो प्रोजेक्टाइल आर फार फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट प्रोजेक्शन सिक्सटी एंड थर्टी डिग्री विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू तो जनाब अली क्या होगा थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री तो क्या होगी रेंज सेम होगी क्योंकि थर्टी और सिक्सटी का सम नाइनटी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर है तो torque, सेम डायमेंशन तो वर्क एंड टॉर्क इनके डायमेंशन सेम होगी फिर कह रहे हैं फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट मासेज एम वन एन एम टू मूविंग विद एक्सेलरेशन एम वन एन एम टू आइडेंटिफाई द ट्रू मास एक्सेलरेशन रेशो देखो बहुत प्यारा सवाल है ये कहानी है एफ वन एफ टू बराबर है तो एम वन ए वन इक्वल टू बराबर होगा एम टू ए यानी एम वन अपॉन एम टू ए बराबर होगा ए वन अपॉन ए टू के बच्चों ठीक है बी पेट टू माइक्रो फेरेट चार्ज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम सिक्स coulomb चार्ज वॉट इज द the ऑफ एफ वन टू और एफ टू वन यार तो भाई रेशो एफ वन टू और एफ टू वन का सेम रहता है ठीक है जनाप? जो जो थड़े से भी है ना वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ कुछ में बहुत ब्लरिंग है ट्वेल्व जूल्स ऑफ वर्क इज़ टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ पॉइंट जीरो वन कोलम फ्रॉम पॉइंट ए टू एन अदर पॉइंट बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो ट्वेल्व को बच्चों पॉइंट जीरो वन से ना डिवाइड कर देंगे ऐसे ट्वेल्व हंड्रेड आ जाएगा आंसर फिर इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिंग थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन और ऑर्बिट दैन एस टॉर्क इज ज़ीरो फिर होगा वेन एन ए सी जनरेटर इज़ कन्वर्टेड इंटू डी सी जनरेटर स्लिप रंग्स आर रिप्लेस बाय तो स्प्लिट रिंग हो जाएगा फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वन के जी ऑफ मैटर नाइन इंटू टेन की पावर सिक्सटीन देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन की पावर एट होती है स्क्वायर ले लें नाइन इंटू टेन की आंसर फिर प्रोसेस बाय विच ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड इन द रेडियो रिसीवर ये मॉड्यूलेशन होता है रेशियो ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट टू द थर्ड अब देखो फोर का स्क्वायर ना सिक्सटीन थ्री का स्क्वायर नाइन फिर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड वे द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज तो भाई वोल्ट मीटर को कहते हैं ये भी हमारी बेसिक डेफिनेशन में से बच्चों a small spherical ball is falling down in a viscous liquid. The velocity of spherical solid ball in the viscous liquid is Toga increase first and then moving with terminal velocity. Phr, if the slope of the velocity time graph is increases with time at constant rate, it shows that the body has uniform positive acceleration. The difference between molar heat is capacity at constant pressure एंड कॉन्टेंट वॉली फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस तो भाई ये मोलर गैस कॉन्स्टेंट होगा एक्चुअली कहानी क्या होती है देखो ये ना बेस्ट चॉइस कॉन्शन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होगा तो मोलर गैस कॉन्स्टेंट होता है और पी वी इक्वल टू एन आर डी वाला गैस कॉन्स्टेंट होता है तो यहाँ आंसर होगा मोलर गैस कॉन्स्टेंट अच्छा ये पंद्रह मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं ठीक है फिर बाकी पाँचवें बनाता हूँ मैथ्स का भी बना दिया है इंग्लिश का भी बना दिया इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट का मिलेगा तुम्हें तो